जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं महोबा के चरखारी से एक खबर की ओर, जहां पर छत से गिरने से एक 46 वर्षीय किसान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट की। मामला कोतवाली चरखारी के ग्राम बगरौन निवासी ईश्वरदास पुत्र रमला अहिरवार उम्र 46 रात के अंधेरे में छत पर सो रहा था, तभी पेशाब करने के लिए उठा और छत पर दीवार ना होने के कारण छत से नीचे गिर गया। आनन फानन में परिवार वालों ने जिला चिकित्सालय महोबा में ले जाकर इलाज कराया, लेकिन हालत में सुधार ना होने के कारण चिकित्सालय ने मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। तभी रास्ते में ही ईश्वरदास की मौत हो गई। मृतक ईश्वरदास की पत्नी का देहांत 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। मृतक अपने पीछे दो पुत्र कमलेश और भुमानी दीन को छोड़ गया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाकर एसएसआई बिमल सिंह और ने CHC पहुंचकर मृतक के सबका पंचनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय महोबा भेज दिया। मैं हरी सिंह यादव, प्रधान प्रतिनिधि बगरौन विकासखंड चरखारी जनपद महोबा। क्या घटना हो गई? ये मेरे गांव से हैं ईश्वरदास पुत्र रमला जाति अहिरवार, उम्र इनकी लगभग 46 वर्ष है। ये करीबन 11:30 बजे रात में 10 तारीख को पेशाब करने के लिए आए तो छत में पट्टी नहीं थी, तो छत से गिर गए, अपने आंगन में गिरे, ताकि इनके सिर में चोट आ गई। फिर इसके बाद मोहल्ला वालों ने और इनके परिवारजनों ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं रात में अपनी गाड़ी लेके पहुंचा, इनको महोबा जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया। इसके बाद डॉक्टर ने इन्हें सुबह तक कहा कि आप झांसी ले जाओ, रेफ़र कर दिया, तो घर ले आए। इसके बाद पैसे की व्यवस्था करके आज इनको वहाँ झांसी ले जा रहे थे, तो रास्ते में मऊरानीपुर के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। तो स्पष्ट कारण जानने के लिए इनको कहाँ चोट है, कैसी चोट है, क्या है, किन कारणों से मृत्यु हुई है, तो चरखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए हैं PM कराने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 और लाइक करें हमारी वीडियो को और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।